नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को बता दें, कल से आप सभी के जीवन काल में जो होने वाला है सुनकर आंखों से खुशी के आंसू रोक नहीं पाओगे। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें कि खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, एक साथ साथ तीन तीन भयंकर खुशखबरी मिलेगी। जी हां दोस्तों, सुनकर आपके मुंह खुला का खुला रह जाएगा, आपको अपनी कानों पर यकीन नहीं होगा। आने वाले 24 घंटे के अंदर खुद खुशखबरी का कॉल आने वाला है। ऐसा शुभ समाचार आपको मिलेगा कि सुनते ही खुशी से झूम लगोगे, आप घर और परिवार खुशी से मिठाई बांटेंगे। जी हां दोस्तों, आज का यह वीडियो नहीं, आपके जीवन का सबसे बड़ा मौका है, इसलिए इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले माता रानी के सभी सच्चे भक्त वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर ही कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी जरूर लिखिएगा। माता रानी के आशीर्वाद से आपकी सारे दुख दर्द कष्ट संकट समस्याएं सब कुछ समाप्त हो जाएंगे। तो जरूर ही एक प्यारा सा लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। चलिए बात करते हैं। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें कि हमारे कुछ गलती के कारण ही ईश्वर हमसे नाराज हो जाते हैं और इन्हें सबके कारण हम रास्ते से भटक जाते हैं और गलत रास्ते में जाने के कारण हम लाभ से भी वंचित रहने लगते हैं और धीरे धीरे जिंदगी में परेशानी बीमारी और बहुत सारी आर्थिक तंगी हमको प्रभावित करने लगती है। तो ऐसे में हमें ईश्वर से फिर से जुड़ना चाहिए। तो दोस्तों, यहां समय आपको कौन सा ऐसा कार्य है जिनका ध्यान में रखना है? चाहे दोस्तों, आप सभी को हम हाथ जोड़कर विनती करना चाहते हैं कि हमारा यह बात ध्यान से सुनिएगा। आप यह बात जानते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। जी हां दोस्तों, ये समय हम आपको कुछ ऐसे रिश्ते बताने वाले हैं जिन्हें अब आपको अपने जीवन में बिल्कुल भी नहीं रखना है। इनसे आपको रिश्ते नाता तोड़ देना है, तभी जाकर आप अपने जीवन काल में कामयाबी को प्राप्त कर सकते हैं और तभी जाकर आने वाले 2 दिनों के अंदर यह 5 बड़ी और भयंकर खुशखबरी आप सभी की नसीब में आप सभी के हाथ में आने वाले हैं। जी हां दोस्तों, तो हमारा आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे इंसान के बारे में बातें करने जा रहे हैं जो आपको अपनी आंखों का कांटा समझता है। आपके जीवन की हर एक खुशहाली, अच्छाई और बुराई में सब कुछ उसकी नजर में है और वह आपको कभी भी खुश देखना नहीं चाहता है। और यह कोई अजनबी इंसान नहीं है, आपके अपनों में ही छुपा है, आपका अपना है। आज के इस वीडियो में हम इस इंसान के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी पूरे विस्तार के साथ देंगे। साथ ही साथ वीडियो के अंत में हम आपको इसका नाम भी बताएंगे। लेकिन बस आपसे यही निवेदन है कि इन बातों को गुप्त रखना, अपने तक ही रखना, किसी से इन बातों के बारे में भूलकर भी चर्चा मत कर देना। आप ही कैसे इंसान हैं जो बातों को गुप्त रख पाने में असफल रहते हैं? दोस्तों, आपके छुपे हुए रहस्य लोगों को पता चल जाती है और इसमें आपकी कमी नहीं है। आप दिल की बहुत अच्छी है, भावुक इंसान है। आप भावनाओं में बहकर अपने दिल के राज भी लोगों को बता देते हैं, लेकिन आप जिन्हें अपना समझकर इन बातों को बताते हैं, असल में वही आपकी सबसे बड़ी शत्रु साबित होते हैं और बाद में आप हो बहुत भारी नुकसान करवाते हैं। तो वीडियो में बेहद ही खास जानकारी है, केवल और केवल आपके लिए यह जानकारी तैयार की गई है। तो बस हमारा आपसे यही निवेदन है कि आप वीडियो को पूरा देखें, बीच में छोड़कर अगर जाएंगे तो आप अपना बहुत भारी नुकसान कर लेंगे, क्योंकि हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, दिन रात प्रयास कर रहे हैं। आपके जीवन से हर एक कष्ट और परेशानी है चुन चुनकर बाहर निकाली जाए। ऐसे में यदि आप वीडियो को पूरा देखेंगे ही नहीं तो हमारी मेहनत तो खराब होगी ही, साथ ही साथ आपके जीवन से भी परेशानियां दूर नहीं होंगे। और एक और खास बात दोस्त हो कि हम अपने वीडियो में जो भी जानकारियां आपको देते हैं, संपूर्ण जानकारियां ज्योतिषीय आकलन पर आधारित होती हैं, ग्रह गोचर के आधार पर बताई जाती है। साथ ही साथ हम अपने धर्म शास्त्रों को भी इन जानकारियों में शामिल करते हैं। दोस्तों, ज्योतिष और आध्यात्म कोई अलग अलग चीजें नहीं है। ज्योतिष का भी जन्म हमारे वेदों से ही हुआ है, इसी वजह से ज्योतिष और वैदिक परंपरा दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं। ज्योतिष पूर्ण ही तब होता है जब उसमें वैदिक परंपरा शामिल हो जाती है।
अध्यात्म शामिल हो जाता है, धर्म शामिल हो जाता है। इस वजह से हम आध्यात्मिक को धर्म को भी आपके जीवन में जोड़ने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, हमारी इस प्रयास को कामयाब अवश्य बनाएं। हमारी वीडियो को आप पूरा अवश्य देखा करें। आपको हर समय कुछ न कुछ नया सीखने को मिलेगा। यह दोस्तों, तो चलिए आज की इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। लेकिन प्रारंभ करने से पहले राधा कृष्ण के सच्चे भक्त भाव के साथ, पूरे श्रद्धा के साथ कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। प्रभु का सीधा प्रेम और आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, याद रखें कि जिनके साथ है माता भद्रकाली, उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। ऐसे में आपकी राशि के जातकों को माता के साथ की बहुत अधिक आवश्यकता रहती है। दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि आप एक ऐसे इंसान हैं या आपकी राशि के जातकों की व्यक्तिगत दुश्मनी किसी से नहीं होती है, या यूं कहें कि आप अपने मन में किसी के लिए कोई गलत भावना या पैर नहीं रखते हैं। हां, ऐसा अवश्य होता है कि कभी कभार थोड़ी बहुत छुटपुट नकारात्मक घटनाओं की वजह से आपके मन में क्रोध अवश्य भर जाता है, और जब आपके मन में क्रोध होता है तब आपके मन में बहुत गलत विचार भी आते हैं। लेकिन जैसे ही आपका क्रोध शांत होता है, आप सब कुछ भूल जाते हैं और हर एक इंसान को माफ भी कर देते हैं। आप किसी के लिए भी अपने मन में मेल नहीं रखते, पैर नहीं रखते हैं। इसी वजह से आपका सीधे तौर पर कोई भी शत्रु नहीं होता है और आप किसी का बुरा करना भी नहीं चाहते हैं। लेकिन आपकी राशि की सबसे नकारात्मक बात यह है कि जहां आप किसी से कोई दुश्मनी नहीं मानते हैं, वही बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके आसपास ही रहते हैं और आपसे बहुत शत्रुता मानते हैं, या यूं कहें कि आपकी गुप्त शत्रु बहुत होते हैं जो आपका भला नहीं देख सकते। आपके जीवन में जैसे ही खुशियां आती हैं, इन लोगों से देखा नहीं जाता है, आपको नीचे गिराने का, आपको परेशान करने का फिर हर एक प्रयास ये लोग करने लगते हैं। तो ऐसे में हम आपसे बस इतना कहना चाहेंगे दोस्तों कि आप भी अब थोड़ी सी चतुर बन जाइए। दोस्तों, रिश्ते ना तो मैं चतुराई बहुत आवश्यक है आपके लिए, क्योंकि आप यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग आपके साथ चतुराई से चालें चलते रहेंगे और आपको फंसाते रहेंगे। जो गलती आपने की ही नहीं है, उस गलती का भी दोषारोपण आपके ऊपर लगा दिया जाएगा। आप इसके लिए अच्छा करने की कोशिश करेंगे, बदले में आपको बुराइयां मिल जाएंगे। आपको ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलेंगे जिनकी आपने उम्मीद नहीं की थी, और ऐसे लोगों से सुनने को मिलेगी जिनके बारे में आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आपके साथ ही अजीब बात यह होती है दोस्तों कि आप लोग जिससे दिल से रिश्ता निभाते हैं, वह कुछ समय तक आपके साथ बड़े ही प्रेम के साथ रिश्ता निभाता है, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हो जाता है कि वह आपका शत्रु बन जाता है, आपसे बात भी नहीं करना चाहता है। हालांकि आपके मन में ऐसा कुछ भी विचार नहीं होता है, तो फिर आपको आश्चर्य होता है कि यह इंसान रातों रात कैसे बदल गया। और इन सब बातों को आप समझ नहीं पाते हैं कि आपके पास वह बुद्धि या विवेक नहीं है जिसे हम कहते हैं षड्यंत्रकारी बौद्धिक वालों पर, जो आपके पास नहीं है। आप हर एक बात को सीधे सीधे तौर पर समझते हैं और सीधे सीधे तौर पर ही कार्य करते हैं, लेकिन यह दुनिया इस तरह नहीं चलती है। यहां कई तरह से लोग षड्यंत्र करते हैं, चालें चलते हैं और अपने मतलब सीधे करते रहते हैं। जब आपसे लोगों का मतलब सीधा हो जाता है तो फिर अचानक से लोग बदल जाते हैं, तो आपको इन सब बातों में बहुत दुख होता है और आपका समय और ऊर्जा भी खराब होती है। तो हमारा प्रयास दोस्तों बस इतना है कि आप ऐसे लोगों से सतर्क हो जाएं और आप अपनी भावनाओं को, अपने समय और अपनी ऊर्जा को बचाकर रखें, ताकि आप अपने काम पर ध्यान दे सकें। आपका मन विचलित ना हो, मन खराब ना हो और आपकी उन्नति हो, आपकी तरक्की के रास्ते खुले। आप अपने जीवन में विचार करके देखिए, हमारे कहने से पीछे मुड़कर देखिए। आपको जब जब धन की हानि हो, आपको जब जब भावनात्मक ठेस लगी है, तब तक कोई आपका अपना ही इसका जिम्मेदार था, जिस पर आप बहुत भरोसा करते थे, विश्वास करते थे, उसी ने ही आपको सबसे बड़ी छूट दी है, सबसे ज्यादा घायल किया है। हालांकि आप ऐसी बातों को ज्यादा अपने दिमाग में लेकर आना नहीं चाहते हैं और आप जीवन में आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन बार बार ऐसी घटनाएं आपके जीवन में होती रहती हैं। आज नहीं तो कल फिर से आपके साथ यही होगा, धोखा होगा, तो आपको अब सतर्क बन जाना है।
हम आपको जो बताने जा रहे हैं उन बातों को आपको गंभीरता से समझना है और अपने जीवन में उतार लेना है। फिर देखते हैं कि आपका कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। हम इस बात का वादा करते हैं आपसे। तो अब अपने मुख्य बिंदु को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि इस संसार की कड़वी सच्चाई यही है कि यहां कोई भी अपना नहीं होता है। लोग किसी न किसी रूप में अपने मतलब से के लिए एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और इस बात का प्रमाण हमारे शास्त्रों में रामायण में मिलता है। जब महर्षि वाल्मीकि एक डाकू हुआ करते थे, लोगों को जान से मारा करते थे, लूट लिया करते थे और यही उनकी रोजी रोटी थी, धन उपार्जन किया करते थे। ऐसे ही अचानक एक बार उन्हें सप्त आर्षियों से मिलना हुआ। उन्होंने उन दृश्यों को घेर लिया और उन्हें भी लूटने की कोशिश की, लेकिन वे तो तपस्वी थीं। उन्होंने महर्षि वाल्मीकि से कहा, जो कि उस समय एक डाकू हुआ करते थे, कि यह तुम इतना बुरा काम क्यों कर रहे हो, लूटपाट क्यों करते हो, इतना पाप कर्म क्यों कर रही हो। तो उन्होंने कहा, यह सब मैं अपने परिवार को चलाने के लिए करता हूं। यह धन जो मैं कमाता हूं लूटपाट से ही सही, इससे मेरा परिवार पलता है। तो उन्होंने कहा कि जाइए अपने घर पर और जिनके लिए तुम यह काम कर रही हो उनसे यह पूछकर देखना कि क्या वह तुम्हारे बाप कर्म में शामिल होंगे। तो यही हुआ। कहानी का अंत आपको अच्छी तरह से पता है दोस्तों। कोई भी उनके पाप कर्म में शामिल नहीं हुआ। सबने ना बोल दिया और होता भी नहीं है दोस्तों। तो इससे यह साबित होता है दोस्तों कि इस संसार में जो रिश्ते नाते होते हैं वह निभाने के लिए होते हैं, उनमें डूब जाने के लिए नहीं होती हैं, उनसे हद से ज्यादा जुड़ जाने के लिए नहीं होते हैं। और हम आपको यह क्यों समझा रहे हैं दोस्तों कि हम जानते हैं कि आप एक भावुक इंसान हैं, आपका हृदय बहुत कोमल है, आप जिससे भी जुड़ते हैं बहुत नजदीकी से जुड़ जाते हैं, बहुत अधिक प्रेम करने लगते हैं और फिर आपको चोट मिलती है, ठोकर मिलती है और आपका मन दुखी हो जाता है। ठीक जिस प्रकार महर्षि वाल्मीकि को चोट लगी, ठोकर लगी, जिस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी को ठोकर लगी अपनी ही पत्नी से और वसंत हो गए और रामचरितमानस का गठन कर डाला। संतों की ये प्रमाण हमें इस बात की ओर इशारा करते हैं कि हमें रिश्ते निभाने हैं, वे हमारी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन हमें उनमें डूब नहीं जाना है, आज तक की नहीं रखनी है, हमें मोह नहीं करना है प्रेम का। और प्रेम का मतलब होता है अपनी जिम्मेदारियों को पूरे भाव के साथ निभाई है, जैसे कि आप ईश्वर की सेवा कर रहे हैं, ना कि आप उनसे हद से ज्यादा मुंह करके उनसे जुड़ जाइए और बाद में फिर आपको ठोकर मिलेगी। उम्मीद है कि आपको इन सब बातों से कुछ समझ में आ रहा होगा। हम आपसे यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अपने रिश्ते नातों को प्रेम के साथ निभाई है, लेकिन हद से ज्यादा मुंह मत करिए, अपने गुप्त राज किसी को मत बताइए और समय इससे ज्यादा और समय से पहले किसी को भी कुछ भी देने की कोशिश मत करिए। मान लीजिए कि कोई रिश्ता आपका आज बना और दो दिन बाद ही वह आपसे किसी प्रकार की मदद मांग रहा है, पैसे रुपए की मदद मांग रहा है खास तौर से, तो आप तुरंत उसकी मदद के लिए तैयार मत हो जाइए। पहले उसे जांच ले रखी है, उसके स्वभाव को देखिए, उसके पिछले रिकॉर्ड को भी देखिए कि दूसरों के साथ उसने किस प्रकार का लेन देन किया था, कहीं उसने किसी के साथ कोई धोखा तो नहीं किया था। कई तरह के विचार हैं जिनको आपको अपने मन में लेकर आना है कि बाद ही फिर आगे अपना फैसला लेना है। यदि वह हर एक प्रकार से खरा उतरता है तो आप उसकी निश्चित मदद कीजिए, और यदि आपको पता चल जाए कि यह धोखेबाज है तो बिल्कुल उसे हाथ की जरूरत नहीं है, उसके साथ रिश्ता निभाने की। इसी प्रकार आप हर एक रिश्ते नाते की एक सीमा तय करिए दोस्तों। इससे होगा यह है कि आपका मन हल्का रहेगा, आपको किसी प्रकार का दुख और संताप नहीं रहेगा, अन्यथा आप छोटी छोटी बातों को अपने मन से लगाते रहेंगे। किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कर दिया, छोटी छोटी बातों को मन में लगाते रहेंगे और हर वक्त आप पीड़ा युक्त रहेंगे, दुखी रहेंगे, परेशान रहेंगे। इसके बजाय आप यह करें कि लोगों से जरूरत से ज्यादा ना जुड़े, बल्कि आप उससे जुड़े जिससे जुड़ने के लिए हमारा, आपका और संसार के हर एक जीव का जन्म हुआ है, और वह है ईश्वर भगवान। इन सब बातों को हमें आपको बताना ही पड़ेगा दोस्तों। आपको झकझोर कर हिलाने वाला चाहिए, आपको सच्चाई से
अवगत कराने वाला चाहिए। लोग हमेशा आपके साथ इसका उल्टा करते हैं, आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं और आपकी भावनात्मक कमजोरी का फायदा उठाते रहते हैं। तो अब हम आपको बताएं कि वह कौन इंसान है जो आपको अपने रास्ते का, अपनी आंखों का कांटा समझता है। उससे पहले कुछ जरूरी बातें हैं जो आपको और बता दें, आपके भविष्य को लेकर है, जो ग्रहों की चाल है, जो ग्रह गोचर है उसके अनुसार आपको क्या काम करने हैं और क्या नहीं करनी है। दोस्तों, आने वाले 3 से 4 दिनों में आपको किसी भी प्रकार की यात्रा नहीं करनी है, खास तौर से लंबी दूरी की यात्राएं नहीं करनी है। यदि आप ऐसी कोई यात्रा करते हैं तो आपको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, यात्रा भी कष्टदायक होगी और आपका मकसद भी हल नहीं होगा, यानी जिस काम के लिए आप यात्रा करेंगे वह सफल नहीं होगा। एक और बात हम आपको बता दें कि आने वाले 3 से 4 दिनों तक आपके मन में नकारात्मक विचार बहुत आएंगे, नकारात्मक लोग भी आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे जो आपके मन को जहरीला करेंगे। आपके मन में नकारात्मकता के बीच होंगे तो आपको ऐसे लोगों से दूर रहना है और अपने मन को आध्यात्म की ओर मोड़ना है, ईश्वर का भजन करना है, नाम जप करना है और जिस भी आराध्य की पूजा करते हैं उसकी भक्ति में डूब जाना है और अपने काम पर भी आपको पूरा ध्यान देने की आवश्यकता है। दोस्तों, इन दोनों बातों को आप ध्यान में रखें, अपने स्वास्थ्य पर भी आप थोड़ा ध्यान दें। दोस्तों, आपको पीठ और कमर के निचले हिस्से में दर्द हो सकता है, हल्का बुखार और थकान भी हो सकती है। एक और बात आपको बता दें कि आप जो रुपए पैसे खर्च करने के बारे में सोच रहे हैं एक बार और विचार कर लें, कहीं ऐसा ना हो कि आपका पैसा खर्च हो जाए और फिर आपको यह एहसासों की है तो फिजूल खर्ची थी। या दोस्तों, यदि आप किसी जगह पैसा खर्च करने के बारे में सोच रहे हैं, कुछ काम करने के बारे में सोच रहे हैं, एक बार और विचार कर ले अभी आगे बढ़े, क्योंकि आपका पैसा व्यर्थ बर्बाद होने के आसार बन रहे हैं। अपनी सोच को सकारात्मक रखें, अपने दिमाग को ठंडा रखें, किसी के साथ किसी भी प्रकार की बहस में ना पड़े, अन्यथा यह बहस झगड़े का रूप ले सकती है, और अपने पिता के साथ अपने संबंध अच्छे बनाने की कोशिश करें। ये दोस्तों, यदि आपकी संबंध आपके पिता के साथ नकारात्मक होंगे तो आपके मान सम्मान में भी कमी आएगी और आपके रुपए पैसे की आवक में भी प्रभाव पड़ेगा। इसी के साथ साथ आपको व्यापार में किसी भी नए प्रयोग से बचना है, कुछ समय तक रोक दे। यदि आप व्यापार के स्थल पर किसी प्रकार का बदलाव करने के बारे में सोच रहे हैं, कुछ दिन रुक जाए उसके बाद करें। साथ ही साथ यदि आप नौकरी करते हैं तो अपने उच्च अधिकारियों का ध्यान, दोस्तों किसी ने आपके उच्च अधिकारियों के कान भरने का कार्य किया है, आपके कार्यस्थल पर भी आपके शब्दों की कमी नहीं है, जो आपके सहयोगी हैं, सहकर्मी हैं, आपके खिलाफ आपके उच्च अधिकारियों के कान भरती हैं, क्योंकि आपकी कार्यशैली बहुत अच्छी है और आपकी कार्यशैली से आपके उच्च अधिकारी प्रसन्न रहते हैं, लेकिन आपके जो सहकर्मी हैं उन्हें यह पसंद नहीं आता है, इस वजह से आपको परेशान करने की कोशिश करते रहते हैं। कई बार पहले भी ऐसा किया है, आगे भी होने वाला है। एक और खास बात आपको बताएंगे कि आप अपनी दिनचर्या को और अपने खान पान की आदतों को अनुशासित रखने की कोशिश करें, अपने खान पान को नियंत्रित रखें, स्वास्थ्यवर्धक रखें और दिनचर्या को भी संतुलित रखें, अन्यथा आपकी तबीयत खराब हो सकती है, सेहत को नुकसान हो सकता है, आपकी किसी पुराने मित्र से मुलाकात भी हो सकती है जिससे मिलने के बाद आपको बहुत अच्छा भी लगेगा और आपकी पुरानी यादें भी ताजा हो जाएंगी। लेकिन इन सब के बावजूद दोस्तों, आपको अपने उस मित्र से इतना अपनापन महसूस होगा नहीं जितना आपको पहले हुआ करता था। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि आपको मानसिक तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, और ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि आपने कई सारे कार्य हिस्सा था हाथ में ले लिए हैं और उन्हें कर पानी में आपको खींचतान का एहसास हो रहा है, इसी वजह से आप मानसिक तनाव और दबाव की स्थिति महसूस करेंगे। साथ ही साथ आपका कोई अपना जिसे आप बहुत प्रेम करते हैं वह आपसे कुछ एक ऐसी बात बोलेगा जो आपको बहुत अधिक बुरी लगेगी, आपका मान भी इस बात की वजह से कम हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, संपत्ति को लेकर किसी प्रकार का विवाद हो सकता है, रुपए पैसे को लेकर भी कहीं ना कहीं विवाद या फिर मनमुटाव
या तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। हम आपसे फिर से एक ही बात कहेंगे दोस्त, कि आपको नकारात्मकता से दूर रहना है और आत्मविश्वास को बढ़ाना है, क्योंकि आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी आपको महसूस होगी, जिसकी वजह से आपके कई काम बिगड़ सकते हैं और आपको नुकसान हो सकता है। थोड़ा बहुत आलस भी आपको महसूस होगा और इसकी वजह से आपकी कुछ काम भी डाले जा सकते हैं, तो थोड़ा सतर्क रहें। आल्हा सुना दिखाएं, कार्यों को आगे बढ़ाने की कोशिश ना करें, अपनी हर कार्य को समय पर ही पूरा करें, अन्यथा आपको कोई भारी नुकसान हो सकता है। एक और बात दोस्तों, हम आपको कहेंगे कि आप छोटी छोटी बातों को महत्व ना दें, ना ही किसी के द्वारा कही गई कोई भी बात नहीं, छोटे छोटे आरोप प्रत्यारोप के चक्कर में आपको पढ़ना है, अन्यथा आपका मन खराब होगा, आपकी ऊर्जा दूषित होगी। साथ ही साथ हम आपको यह भी बता दें कि यदि आपको बहुत अधिक निराशा का एहसास हो तो आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। आप देखेंगे कि इस बार ही यदि आप इस मंत्र का उच्चारण कर लेंगे तो आपका मन हल्का हो जाएगा, आपको काफी अच्छा महसूस होने लगेगा। दोस्तों, यह एक बीज मंत्र है और मां भद्रकाली को समर्पित है, तो ध्यान से सुने मंत्र बहुत ही सरल है। मंत्र कुछ इस प्रकार है, ओम क्लीम प्रत्येक वर्ष में ओम क्लीम। बस आपको सच्चे मन से आपके साथ माता भद्रकाली को याद करते हुए इस मंत्र का 21 बार या 11 बार ही जॉब कर लेना है, आपका मन हल्का हो जाएगा, आपको शांति का एहसास होगा और आपके मन में जो उथल पुथल मची हुई है वह भी शांत हो जाएगी। तो अब हम आपको बताते हैं कि वह कौन इंसान है जो आपको अपने रास्ते का कांटा समझता है और आप बहुत बुरी तरह से जलता है, आपको परेशान करना चाहता है, आपकी खुशियां उससे देखी नहीं जाती हैं। दोस्तों, ध्यान से सुनिए, उस इंसान का नाम का पहला अक्षर राम दोस्तों, और उसकी तुला राशि है। यह दोस्त और वह आपका अपना ही है और आपके आसपास ही रहता है। आपने उसके व्यवहार में परिवर्तन कई बार पहले भी महसूस किया है और आगे भी आप लगातार ऐसा ही महसूस करते रहेंगे। आप अपने बौद्धिक बल का प्रयोग करें, लोगों का सही आकलन करें और अच्छे बुरे का भी अच्छी तरह से करें, अन्यथा आप हमेशा परेशान हो, दूसरों के द्वारा उपयोग किए जाएंगे और भावनात्मक तौर पर प्रताड़ित होते रहेंगे। दोस्तों, यह एक ऐसा इंसान है जो आपको कभी खुश नहीं देख सकता है, आपके खिलाफ लगातार षड्यंत्र करता रहता है। इसका एक ही मकसद है कि यह आपसे अपना काम निकलवाना चाहता है, और जब जब यह आपसे अपना कोई काम निकलवाने की कोशिश करता है तब इसका स्वभाव एकदम अलग होता है। लेकिन जैसे ही आपके जीवन में उन्नति आती है, तरक्की आती है, आप देखेंगे कि इसका स्वभाव पूर्ण रूप से बदल जाता है। असल में यह आपसे बहुत अधिक जनता भी है और यह आपसे अपना मतलब निकालने की हर समय कोशिश भी करता रहता है। इस वजह से आप इसके व्यवहार में कई प्रकार के परिवर्तन महसूस करेंगे। थोड़ा सतर्क रहें, सावधान रहें, केवल यही एक इंसान नहीं है, ऐसे तो कहीं और भी हैं। हम पहले ही आपसे कह चुके हैं कि आपकी राशि के अपनों में छुपे हुए सत्र बहुत होते हैं जो आपको धन और संपत्ति का नुकसान करवाते रहते हैं। तो आपको न केवल इस इंसान जैसा सोना है, बल्कि इस जैसे तो कई और हैं, उनसे भी आपको सतर्क रहना है। और आपके लिए हम एक सबसे महत्वपूर्ण और सबसे उपयोगी उपाय बता देते हैं, जिससे आपके आत्मविश्वास में तो बढ़ोतरी होगी ही, साथ ही साथ आपके आसपास एक रक्षा कवच भी तैयार हो जाएगा। तो बस आपको करना इतना है कि आपको अपनी जीवन में इसे एक आदत को शामिल कर लेना है, और वह आदत कौन सी है ध्यान से सुने, तो आपको करना यह है कि जब भी आपकी आंख खुले तो आप कोशिश करें तो सूर्योदय से पहले ही आपकी आंख खुल जाए और आप बिस्तर छोड़ दें। तो जब भी आपकी आंख खुले तो आपको सबसे पहले तो कराग्रे मंत्र का, यानी कि हम स्वागत मंत्र भी कहते हैं, इससे हम सूर्य देवता का स्वागत करते हैं, तो हम इस मंत्र का जाप करेंगे। मंत्र बहुत ही सरल है, आपने इसके बारे में पहले ही अवश्य सुना होगा। मंत्री, यदि आपको नहीं पता है तो मोबाइल की स्क्रीन पर देखें, आपको दिखाई देगा। तो मंत्र कुछ इस प्रकार है, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती सरकार मुलीचा गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। तो हमारे जो हाथ है इन्हें हम कर कहते हैं, तो इनके हर एक भाग में अलग अलग देवी देवताओं का वास होता है, जिनकी हमें पूरे दिन यानी कि सुबह से लेकर रात तक आवश्यकता रहती है। इन देवी देवताओं की शक्तियों की ओर जाओ कि इनसे ही
हम प्रार्थना करते हैं और हम सूर्य देव का भी स्वागत करते हैं। साथ ही साथ आपको तीन बातें और कहने, पहला स्थान देवता देव नमः, दूसरा पितृ देवता देव नमः, तीसरा कुल देवता देव नमः, इन तीन बातों को आपको और बोलना है। बस एक ही बार बोला है, बार बार नहीं बोलना है, तो इसके बाद आपको बिस्तर छोड़ देना है। अब बिस्तर छोड़ते समय भी आपको यह ध्यान देना है कि किस नाक से, यानी कि नाक के जो दो चित्र हैं, उनमें से किस क्षेत्र से आपकी श्वास बाहर आ रही है। यदि सीधी तरफ की, यानी दाहिनी तरफ की नाक से श्वास बाहर आ रही है, तो आपका सूर्य स्वर चल रहा है, तो आपको दायां पैर ही जमीन पर रखना है। यदि भाई तरफ की छिद्र से सांस बाहर आ रही है, तो चंद्र नाड़ी चल रही है, चंद्र स्वर चल रहा है, तो आपको बायां पैर ही बिस्तर से नीचे रखना है। बस सुबह का यह कार्य आप करें और आप देखेंगे कि चमत्कार होगी। दोस्तों, कई लोगों को लाभ हुए हैं। उन्होंने खुद हमसे आकर यह बात बोली है कि गुरुजी, आपने जो यह उपाय बताया है, इससे तो हमारा पूरा दिन ही बन जाता है और हमारे आसपास एक सुरक्षा घेरा बन जाता है। कोई चाहकर भी हमारा नुकसान नहीं कर पाता है, और तो और किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक विचार मन में आते ही नहीं है, और हमेशा नमन ईश्वर की भक्ति में और अपने कार्य में लीन बना रहता है। दोस्तों, आप हमारे कहने से एक बार इस कार्य को अपने जीवन में शामिल करके देखिए। केवल 5 दिन का प्रयोग करके देखिए, अगर बदलाव महसूस ना हो तो छोड़ देना, कोई पैसे तो लग नहीं रहे। दोस्तों, बस आपकी थोड़ी सी मेहनत लग रही है और थोड़ा सा भाव लग रहा है ईश्वर के प्रति, बस आप करके देखिए, आपके जीवन में बदलाव 100% आएंगे। दोस्तों, इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय श्री राधे कृष्णा अवश्य लिखना। यदि हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा देना। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता।